ओके सो गाइस यहाँ पे हम आज हमारा पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग का। ओके सो बिफोर प्रोसीडिंग जावा प्रोग्रामिंग हम बात कर रहे थे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में। आवाज़ आ रहा है सबको क्लियर? ओके सो सी प्लस प्लस आवाज नहीं आ रहा प्रोग्रामिंग सर। वही सर, सर कुछ बोले नहीं है। ओके एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके हाँ सो गाइज यहाँ पे अभी देखिए हम जावा प्रोग्रामिंग हमारा ये सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट है और इसके पहले हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि सी प्लस प्लस कौन से अप्रोच को सपोर्ट करती है, तो आपसे जवाब आया कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों अप्रोचेस को सपोर्ट करती है। मतलब अगर आपको पूछा गया तो सी प्लस प्लस इज अ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये फुल्ली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ पार्शियल है। मतलब अगर पार्शियल का मतलब मैं आपको बताऊँ तो हम यहाँ पे वी कैन राइट अ प्रोग्राम विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो। देखिए कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या कि हम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके प्रोग्राम में क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो। हम सिंपली अभी हमने अभी तक के प्रोग्रामिंग किया तो हम इंटीजर मेन ओके इसमें ही हम प्रोग्रामिंग पूरा करते आ रहे हैं मेन फंक्शन में। हमारे अगर पहले तीन चैप्टर की अगर हम बात करें सी प्लस प्लस के अंदर, सॉरी दो चैप्टर्स की, जिसमें हमने पूरा प्रोग्रामिंग मेन फंक्शन में किया। सो दैट इज़ अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जैसे हमने तीसरा चैप्टर शुरुआत की जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर फिर हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। तो बेसिकली मैं आपको गाइज यही बताना चाहता हूँ कि सी प्लस प्लस पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट नाउ हम पढ़ने जा रहे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इट इज़ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब अगर आपको सिंपल हेलो वर्ड का भी प्रोग्राम करना होगा तो आपको वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास यूज करना पड़ेगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बिना यहाँ पे प्रोग्रामिंग होने ही वाली नहीं है जावा प्रोग्रामिंग के बाद काम कर रहे हैं। सो दैट इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके सो इसीलिए जावा प्रोग्रामिंग को फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है। अब हम जावा प्रोग्रामिंग कब आई, किसने डेवलप की, वो थोड़ा सा वहाँ पे देखते हैं। दैट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग। तो हिस्ट्री ऑफ जावा प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम पढ़ते कि जावा प्रोग्रामिंग आया कैसे। ये जो जावा प्रोग्रामिंग है ना, इसको 1991 में, देखिए कब और कैसे डेवलप हुआ, 1991 में सन माइक्रो सिस्टम नाम का एक कंपनी है, सन माइक्रो सिस्टम नाम का एक कंपनी है, इसने उसको डेवलप किया। 1991 में सन माइक्रो सिस्टम ने ये जावा प्रोग्रामिंग को डेवलप किया। ओके अब ये जावा प्रोग्रामिंग आया तो बेसिकली जावा इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के ऊपर बेस्ड है। जावा के बहुत सारे सिंटैक्सेस सी प्लस प्लस के सिंटैक्सेस से मैच करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस जिसको आता है, जो पहले सी प्लस प्लस पढ़ चुका है, उसके लिए जावा आसान हो जाती है पढ़ने के लिए और फैमिलियर हो जाती है। फैमिलियर मतलब क्या, आपको ऐसा लगता है कि हमने ये सिंटैक्सेस पहले देखा हुआ, जो कि हमने सी प्लस प्लस में ऑलरेडी देखे होते हैं। सो दैट इज़ वाई जावा इज़ अ बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। जावा डेवलप हुआ 1991 में। देखिए कब डेवलप हुआ वो पॉइंट, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है लेकिन आपको एमसीक्यू लिए इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 में डेवलप किया। ओके अब ये सन माइक्रो सिस्टम भले ही कंपनी हो लेकिन देखिए कोई ना कोई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कोई एक ही पर्सन करता है, कोई एक ही पर्सन से माइंड से वो लैंग्वेज आती है। जैसे सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, हु इज़ अ डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस? अलग अलग बच्चों ने अलग अलग उसका नाम प्रोनाउंस किया। मैंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल
ओके ओके, प्रैक्टिकल जॉब आयोग से ने आते भी हो? ये जो क्वेश्चन पूछा था ना, मुझे हंसी आ रही थी कि वो बंदे का नाम आपको प्रोनाउंस नहीं करते आ रहा है। ये नाम है उसका बिजान, बिजार्न स्ट्रॉस्ट्रूप, उसको बोलते बिजार्न स्ट्रॉस्ट्रूप। ओके, ये इसका नाम है बिजान स्ट्रॉस्ट्रूप। प्रोनाउंस देखो क्या कर रहा हूँ मैं, बिजार्न स्ट्रॉस्ट्रूप। कोई अलग ही अलग नाम बता रहे थे मेरे को, समझ में समझ लिया मैंने कि एटलीस्ट ये बंदे को नाम पता है, बट ही कैन नॉट प्रोनाउंस प्रॉपरली। बट गाइज, ये जो बिजान स्ट्रॉस्ट्रूप था, इसने सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया था। वैसे जावा को किसने इंट्रोड्यूस किया और कब, क्यों और क्या इंट्रोड्यूस किया? सो 1991 में सन माइक्रो सिस्टम नाम के कंपनी में जेम्स गोस्लिन नाम का एक पर्सन था। अभी देखिए उसका नाम क्या है, जेम्स गोस्लिन। आसान है प्रोनाउंस करने के लिए, बिजान स्ट्रॉस्ट्रूप से ज़्यादा आसान है, जेम्स गोस्लिन। ये जो पर्सन था जेम्स गोस्लिन, इसने 1991 में सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर काम करते वक्त जावा को इंट्रोड्यूस किया। ओके, अब ये जो जावा लैंग्वेज आया ना, हिस्ट्री देखते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से आया। सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो जावा से रिमूव किए गए हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सी प्लस प्लस के बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड थे, उस कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को जावा में से रिमूव कर दिया गया। क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि ये जो जेम्स गोस्लिन था, वो जावा को आसान और सिंपल लैंग्वेज बनाना चाहता था, ताकि जो बिगिनर्स हो या जो प्रोग्रामर्स हो, उनको सीखने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, उनको आसानी लगे। इसीलिए उन्हें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है तो उसको उसने निकाल दिए, सी प्लस प्लस के जो कंसेप्ट थे। ओके, बेसिकली उसने रेफरेंस लिया सी प्लस प्लस का ही लिया, क्योंकि सी प्लस प्लस उनके पहले आ चुकी थी, वहाँ से रेफरेंस किया और जावा को बेटर लैंग्वेज बनाने का ट्राई किया। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो पुराने से बेटर होती है, 100% यही तरीका होता है। तो सी प्लस प्लस से जावा इज़ ऑलवेज बेटर लैंग्वेज एंड इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली सी प्लस प्लस इज़ अ मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेवल्स बनाई गई है, तो सी प्लस प्लस ये जो थी ये मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा ये जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इसमें बहुत सारे हाई लेवल के कंसेप्ट हम अभी आगे वन बाय वन पढ़ने वाले, बट फिलहाल अभी ये सेमिस्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कोर जावा। कोर जावा मतलब क्या? फंडामेंटल्स ऑफ जावा, इन शॉर्ट फंडामेंटल्स, बेसिक्स ऑफ जावा, कि जावा प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन हम देखने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ जावा उस चीज़ को जनरली हम कहते हैं। ओके, तो किसने बनाया लैंग्वेज, इसका नाम याद रखो, ये पर्सन था जेम्स गोस्लिन। इसने 1991 में सन माइक्रो सिस्टम नाम का एक कंपनी था, उसमें उस लैंग्वेज को डेवलप किया। जैसे सी प्लस प्लस का इनिशियल नाम था सी विथ क्लासेस, याद आ रहा है सबको? सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस बाद में आया ना नाम, यस सर। पहले नाम था सी विथ क्लासेस, बराबर। वैसे yes, ही sir. वैसे ही जावा लैंग्वेज का पहला नाम था ओक, उसको कहते ओक। ओके, अब ये ओक नाम उसको क्यों दिया गया, उसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री मैं आपको समझाता हूँ, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओक। क्योंकि ये जो जेम्स गोस्लिन नाम का पर्सन था, उसके घर के सामने ओक नाम का एक ट्री हुआ करता था, ओक नाम का एक ट्री था। जब भी उसको ऐसा, मतलब बोला गया है, कहीं पे आपको राइटिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा बोलते हैं कई बार लोग कि उसके घर के सामने ट्री था ओक, और जब भी उसको जावा लैंग्वेजेस का वो सोचता था, जावा लैंग्वेज के कंसेप्ट को सोचता था, तो वो झाड़ के नीचे, वो ट्री के नीचे बैठकर ज़्यादातर सोचता था, ऐसा बोलते हैं लोग। इसीलिए उस लैंग्वेज का नाम उसने ओक रखा। ये शुरू की बात है, मतलब अगर आपको पूछा गया व्हाट इज़ द इनिशियल नेम ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, तो आपको वहाँ पे बताना ओक। ओके, उसके बाद जब उसने अपने कलीग्स के साथ, जो जावा के बाकी लोग कंपनी में काम करते थे, उसके सामने कंसेप्ट रखा, फिर उसने वो लैंग्वेज को रिनेम किया जावा। अभी इसके पीछे भी हिस्ट्री देखो, जब भी वो सारे लोग मीटिंग करते थे टुगेदर जावा से रिगार्डिंग, तो वो जावा नाम का कॉपी वहाँ पे किया करते थे, जावा नाम का कॉपी वहाँ पे पिया करते थे, इसीलिए उन्होंने उस लैंग्वेज को जावा नाम दे दिया। तो अगर आप ध्यान से देखना, कभी भी आप जावा की बुक देखोगे ना, उसके ऊपर आपको टी मिलेगा, मतलब जो हम कप मिलते हैं ना, चाय वाला कप, वो आपको उसको सिंबल वहाँ पे मिलेगा। yes, okay? तो कभी भी देखना जावा की बुक, तो वो उसके पीछे का रीज़न है कि पहले वो जावा नाम का कॉफ़ी वहाँ पे मिलता था, और उसी के हिसाब से उन्होंने उस लैंग्वेज को नाम रख दिया। क्या रखे, क्या रखे, तो जावा उन्होंने
वहाँ पे नाम रख दिया। तो किस तरीके से जावा का नाम आया, कंसेप्ट समझ में आया सबको? ओके, जावा की हिस्ट्री हम यस पढ़ रहे सर हैं। यस तो हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि व्हेन इट इज एस्टैब्लिश इन 1991, कंपनी कौन सा था? सन माइक्रो सिस्टम। इनिशियल पर्सन जिसने आइडिया लाया वो कौन था? जेम्स गोस्लिन। तो कई बार आपको पूछा जाता है हु इज अ डेवलपर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, तो आपको ये पर्सन का नाम याद रखना है, जेम्स गोस्लिन। ओके, व्हाट इज द इनिशियल नेम ऑफ, व्हाट इज द इनिशियल नेम ऑफ जावा लैंग्वेज? दैट इज ओ। ओके, और ये फिर उसके बाद 1995 में वो रिनेम हुआ, 1995 में आपको वो रिनेम करके मिला, दैट इज जावा। मतलब इनिशियल जब इंट्रोडक्शन हुआ तो 1991 में हुआ, बट रिनेम मतलब जावा का जो नाम उसको आया तो 1995 से वो जावा उसको वहाँ पर हम कहने लगे। तो बेसिकली हम 1991 पे ही ध्यान देंगे कि 1991 में वो आया था। सो जावा, उसके बाद जावा को ये हो गया उसका हिस्ट्री। तो जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो जावा इज अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी आपको याद होगा सी प्लस प्लस में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो भी होंगी, फिर वो सी प्लस प्लस हो, फिर वो जावा हो, आगे जाके हम सी शार्प डॉट नेट पढ़ेंगे या फिर PHP पढ़ेंगे, जो भी लैंग्वेजेस हो, जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अपने खुद के कुछ फीचर्स होते हैं जो हमने सी प्लस प्लस में ऑलरेडी डिस्कस किए। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैं जावा की फीचर्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैरेक्टरिस्टिक, कोई बताएगा मुझे? सर डाटा स्टोरेज है सर उसके अंदर। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत कॉमन क्वेश्चन था और यह हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था कि कौन से फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, और उनको फिर हमने वन बाय वन डिटेल में पढ़ा आगे जाके। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? इनकैप्सुलेशन, यस यस इनहेरिटेंस, यस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, यस, क्लास ऑब्जेक्ट, ये पहले दो लिख लीजिए आप, ये तो होंगे वहां पे क्लास ऑब्जेक्ट, उसके बाद एनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, करेक्ट करेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, यस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, यस, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ले सकते हैं ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, और उसके बाद मैसेज पासिंग। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे मैंने बोला कि जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ये कंसेप्ट भी वहाँ पे होंगे और होने ही चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो अभी देखिए हमने ये क्लास ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस ये कंसेप्ट सी प्लस प्लस में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि यही कंसेप्ट जावा के अंदर किस तरीके से यूज होंगे। तो ये जो फीचर्स है आपको पता है कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। थोड़ा सा उसको रिवाइंड करते हैं, व्हाट इज क्लास, एनीवन, व्हाट इज क्लास? सर ऑब्जेक्टिव ब्लूप्रिंट है सर, ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट होती है, करेक्ट। और इसको हम जनरली कहते हैं डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर, इसको कहते हैं हम ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। इसको कहते हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बट बिहेव लाइक बिल्ट इन डेटा टाइप, करेक्ट। ओके, ये होता है क्लास कि ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या चाहिए, कौन से फंक्शन चाहिए, कौन से वहाँ पे मेंबर चाहिए, उनका हम एक डिजाइनिंग बनाते हैं एंड दैट इज अ कॉल्ड एज क्लास। फिर हमने वहाँ पे पढ़ा ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एनीवन? इंस्टेंस ऑफ, द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ओके, और इट इज अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन, हाँ, डेटा एंड फंक्शंस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डेटा एंड फंक्शंस, इट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन। डेटा मतलब वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल और फंक्शन का एक ग्रुप हम बनाते हैं ताकि वो वेरिएबल वो फंक्शन एक साथ काम कर सके। तो वो जो ग्रुप बनता है उसको जनरली हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इट इज़ अ रन टाइम एंटिटी, ऐसा भी हम कहते हैं, इट इज़ अ रन टाइम एंटिटी, बराबर है, रियल टाइम रन टाइम एंटिटी, रियल टाइप रन टाइम एंटिटी,
रियल टाइप एक्चुअली, रियल टाइप रन टाइम एंटिटी, मतलब हम जो हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी चीज़ हमारे सामने हो, जैसे पेन हो, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। अगर मोबाइल है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, हम कहते हैं ना, हर एक को उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं एंड फंक्शंस होते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। प्रॉपर्टीज का मतलब हमने ऊपर जो लिखा है डेटा, ये वही कि हर एक को होती है। जैसे अभी मोबाइल की अगर हम बात करें, सपोज मोबाइल इज एन ऑब्जेक्ट, तो मोबाइल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो सपोज मान लीजिए मोबाइल इज एन ऑब्जेक्ट, तो मोबाइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो मोबाइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, कंपनी ब्रांड बराबर, प्राइस बराबर, और कलर, फीचर्स बराबर है कि नहीं। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मोबाइल्स एंड फंक्शंस ऑफ मोबाइल। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मोबाइल बोलो, कॉलिंग, रैम, रोम, प्रोसेसर। नो, दीज आर नॉट फंक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी, दीज आर एक्चुअली इसमें आएगा, वो डाटा में आ जाएगा, प्रॉपर्टी में आएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, कि मोबाइल क्या काम करता है, कॉलिंग बराबर, कॉलिंग, मैसेजिंग, मैसेजिंग जो भी आपको यूज करना हो, गेमिंग बराबर, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मोबाइल, प्लेइंग गेम, कॉलिंग, फोन कॉल, मैसेजिंग, गेमिंग, नेट सर्फिंग, नेट सर्फिंग, करेक्ट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एवरी मोबाइल। तो ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज एंड हो गई फंक्शंस। तो मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट को ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहने वाली थी, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। और एक बार आपने एक क्लास बना लिया कि उस क्लास से रिलेटेड आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे बना सकते थे। मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज फ्रूट एक क्लास है, फ्रूट इज अ क्लास बराबर। सो मैंगो इज अ ऑब्जेक्ट, मैंगो इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रूट क्लास बराबर, क्योंकि मैंगो किसको बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, फ्रूट कैटेगरी को बिलोंग करता है। सो मैंगो इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रूट, करेक्ट। अगर सपोज दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना, ये भी ऑब्जेक्ट ऑरेंज, दीज आर ऑब्जेक्ट्स बट इनका क्लास सेम है, एक ही क्लास को बिलोंग करते, एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते, दैट इज फ्रूट। इस तरीके से एक बार आपने क्लास बना लिया कि आप मल्टीपल उसके ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था बराबर। फिर आगे आया एनकैप्सुलेशन करके कंसेप्ट हमने पढ़ा, एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब कोई बताएगा मुझे, रैपिंग अप ऑफ डेटा, मैनिपुलेशन अंडर द सिंगल यूनिट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन को ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ओके। मतलब कौन सा डेटा हमें ओपनली रखना है, कौन सा डेटा हमें हाइड करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा पब्लिक रखना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। सो रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शंस, तो वो प्रोसेस जो होता है रैपिंग करने का, उस प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। सो रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट, ताकि वो एक सिंगल यूनिट बन सके, वो जो प्रोसेस होता है उसको एनकैप्सुलेशन कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यह हम क्लास डिजाइनिंग में करते हैं, जब हम क्लास बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर दिए गए, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इनका यूज़ करके हम हमारा डेटा जो है ना उसको हाइड करते हैं, कि अगर हमने डाटा क्लास के बाहर नहीं एक्सेस करना है फिर हम उसको प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। अगर हमने कोई डेटा को प्राइवेट डिक्लेयर किया तो वो डेटा क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता है। सो एनकैप्सुलेशन। फिर हमने आगे का कंसेप्ट पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम एंड एबिलिटी टू टेक मोर देन मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म, ओके। फिर हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और दूसरा इसका टाइप्स होता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। दो प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अभी ये जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके दो एग्जाम्पल हमने C++ में पढ़े, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है C++ की वो निकाल दी, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी हम जावा में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट है ही नहीं जावा में, सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग है।
ऑपरेटर ओवरलोडिंग नाम का कंसेप्ट जावा में है नहीं, तो इसको हटा देता है। सो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या, अभी देखिए हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही लिखा है वन नेम मल्टीपल फॉर्म, तो हम एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन बनाएंगे बट उनके पैरामीटर डिफरेंट रहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। इसके सारे वीडियोज अवेलेबल है C++ के। तो मेरी आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जावा अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले जितने भी वीडियोज मेरे C++ में के मैंने डाले हैं वो सारे के सारे, जो जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहे थे उसको रिव्यू करो, समझो, तभी आपको जावा अच्छे से समझेगा। इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, C++ का जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं ग्रुप पे यूट्यूब पे जाके उनको देखो, अच्छे से समझो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है देन आप मुझसे पूछ सकते हो। बट मेरी यही रिक्वेस्ट रहेंगी कि जावा समझने के लिए C++ प्रॉपर करके आओ। सो फंक्शन ओवरलोडिंग ये कंसेप्ट इसके अंदर आता है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट होता है इसके अंदर आता है फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ये भी हमने पढ़ा था कि बेस क्लास में अगर सेम फंक्शन है तो डिराइव्ड क्लास में भी सेम फंक्शन हम यूज़ करेंगे, सो दैट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस पढ़ा, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, कोई बताएगा मुझे? प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट क्लास। सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि व्हेन इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस, ऐसा लिखेंगे हम, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, सिंपल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास acquire the properties of another class, that is called as inheritance, okay? मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास की भी प्रॉपर्टी को कॉल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको इनहेरिटेंस वहाँ पे करना पड़ता है, ओके? तो इस तरीके से ये जो मेन प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटिटी, क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर किसी को कुछ भी इसमें दिक्कत होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो।